हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो लेक्चर नंबर 15 चल रहा है और ये है टेंस के टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। युवराज बैच की क्लासेस चल रही है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस। सो फर्स्ट इज वह गाना गा चुकी थी। बताइए वह गाना गा चुकी थी का कन्वर्स करिए। देखिए चुकी थी तो सी आएगा, शी सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म, सी हैड संग द सॉन्ग। देखते हैं, ओके बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर सी हैड संग द सॉन्ग, बिकॉज थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट है। अगला चलते हैं, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। पारी को इनिंग बोलते हैं। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड, वेरी गुड। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग, बिल्कुल लाजवाब, बहुत शानदार। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग। चलिए अगला बताइए, मैंने उससे बात कर ली थी। मैंने उससे बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड टू हिम। मैंने उससे बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड टू हिम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। आई हैड टॉक्ड टू हिम, आई हैड टॉक्ड विद हर। अगर लड़की की बात करेंगे तो विद हर भी चल जाएगा, आई हैव टॉक्ड टू हर भी चल जाएगा, आई हैव टॉक्ड विद हर भी चल जाएगा, या आई हैव टॉक्ड टू हिम भी चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। दे हैड टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म टेकन होती। दे हैड इन द गंगा, दे हैड टेकन बाथ इन द गंगा, क्या बात है, बिल्कुल सही, दे हैड टेकन बाथ इन द गंगा। चलिए, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। किराया दे दिया था, यस, वी हैड गिवन रेंट ऑफ अवर, हाँ रूम, वी हैड गिवन रेंट ऑफ अवर रूम, या वी हैड पेड, किराया देना एक्चुअली पे करना होता है ना, भुगतान करना होता है, तो यहाँ पे पेड लगा सकते हैं। वी हैड पेड द रेंट ऑफ अवर रूम होगा, यहाँ पे होम नहीं होगा, घर का किराया था क्या, कमरा था ना, कमरे को तो रूम बोलेंगे, बिल्कुल सही आपका। वी हैड पेड द रेंट ऑफ अवर रूम, वी हैड पेड द रेंट ऑफ अवर रूम। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, चुका था, मरीज के आने के पहले डॉक्टर जा चुका था। मरीज के आने के पहले डॉक्टर जा चुका था। देखिए अब यहां पे दो काम हो रहे हैं, डॉक्टर पहले जा चुका था और मरीज के आने के पहले, बोलिए ऐसा नो। मरीज कब आया था, वो भी पास्ट में आया था, और उसके भी पहले डॉक्टर जा चुका था, उसके भी पहले डॉक्टर जा चुका था, मतलब ये वाली चीज तो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, किसमें जाएगी पास्ट परफेक्ट में, फिर ये किस में जाएगी, ये पास्ट में जाएगी, ये किस में जाएगी पास्ट में। मरीज का आना, आने को क्या बोलते हैं अराइव, क्या बोलते हैं अराइव, क्या बोलते हैं बेटा अराइव, है ना, आने को क्या बोलते हैं अराइव, या कम भी बोलते हैं, पहुंचने को अराइव बोलते हैं, तो यहां पे कम भी बोलते हैं, बट याद रखो मरीज का आना, बताओ प्रेजेंट में कि पास्ट में है, पास्ट में है, तो कम नहीं यूज होगा, क्या होगा केम यूज होगा, क्या होगा केम। अब बनाइए आप सेंटेंस, क्या बनेगा, बिल्कुल गलत है, देखिए इसमें आप जीरो दे दीजिए, आपका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है ये, यहां से शुरू होगा, डॉक्टर जा चुका था, द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर जा चुका था कब, मरीज के आने के पहले, बिफोर द पेशेंट केम, ये देखो मैं बता रहा था ना केम, सेकेंड फॉर्म लग रही ना, मरीज के आने के पहले, द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, है ना, यह उल्टा भी चल जाएगा, बिफोर द पेशेंट केम द डॉक्टर हैड गॉन, दोनों ही चल जाएंगे, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, बिफोर द पेशेंट केम द डॉक्टर हैड गॉन, तो इसको कॉपी में लिखिए, बहुत ही मस्त सेंटेंस है ये, द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, चलिए कॉपी में लिखिए, द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, ओके सो द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों के आने के पहले माता जी ने खाना बना लिया था। देखिए दो चीजें यहाँ पे, बच्चों के आने के पहले, ओके तो बच्चों के आने के पहले मतलब ये वाला गया जाएगा पास्ट में, और बना लिया था, चुका था, चुकी थी,
है ना, या था, तो ये जाएगा किसमें, परफेक्ट में। हाँ तो बताइए, बच्चों के आने के पहले माता जी ने खाना बना लिया था। द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर केम, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम, क्या बात है, बिल्कुल सही बनाया इस बार आपने। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम ओके, नोट करिए इसको, द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम। तो ऐसे सेंटेंस याद रखिएगा, इसमें दो होते हैं, एक तो इसमें परफेक्ट चलता है, ये देखिए परफेक्ट आप पहले लिख दो या बाद में लिख दो, बिफोर द चिल्ड्रन केम, कम मत लगाना, केम लगाना, क्योंकि बच्चे पहले आ चुके थे, मम्मी पहले आ चुकी थी, है ना, बच्चों के आने से पहले माँ ने खाना बना लिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट का है, बट ये क्या है, पास्ट का है, ये क्या है, पास्ट का, क्योंकि सारा काम पहले हो रहा है। चलिए, बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी, लियो भाई, बादल आने के पहले बारिश हो चुकी, ऐसा हालांकि होता नहीं है, बादल आने के बाद बारिश होती है, मगर चलो ठीक है, इंग्लिश है, क्या करना है, साइंस के लॉजिक नहीं लगाने अपन को। बादल आने के पहले बारिश हो चुकी थी, तो पहले क्या हुई है, बारिश हुई है, पहले क्या हुई है, बारिश हुई, बाद में क्या आए हैं, बादल, बट दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, बट ये परफेक्ट में जाएगा। बोलिए, बादल आने के पहले बारिश हो चुकी थी, चलिए तो इसमें आप जीरो मार्क्स दे दीजिए, आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, कहां से स्टार्ट होगा, इट हैड रेन्ड बारिश हो चुकी थी, बिफोर द क्लाउड्स केम नोट करिए, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, इट हैड रेन, जब आपको पता है कि बारिश होने के लिए हमेशा इट से स्टार्ट होता है, बारिश होने के लिए इट, तो इट हैड रेन्ड, ओके, रेन रैंड रेन्ड, ओके, आर ए आई एन ई डी, इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम ओके, इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, लियो भाई चोर भाग गया था, तो ये तो पास्ट में आया, है ना, किसमें आया, परफेक्ट में आया, गया था, लिया था, पुलिस के आने से पहले, हाँ बताइए, द थीफ हैड रन The police came. The thief had run away. है ना? The thief had run away. है ना? Before the police came. Note करिए. The thief had run away. Before the police came. Police के आने के पहले. The thief had run away. Before the police came. Okay. चलिए अगले देखिए. कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर डांस किया. राधा had danced on the stage after Kamla sang a song. बताइए क्या आएगा? राधा danced on the stage after. देखिए गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल ही, ठीक ना, राधा ने डांस किया था कमला के जस्ट गाना गाने के बाद, मतलब कमला ने ये काम पहले किया था और फिर राधा ने उस समय तुरंत स्टेज पर डांस किया, तो राधा के लिए हेड आएगा, क्या आएगा, राधा के लिए हेड आएगा, बताइए इसका क्या होगा, राधा गलत, बिल्कुल गलत है, देखिए चलिए अब बताते हैं, देखिए जीरो दे दीजिए आप अपने आप को, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग, आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग। हाँ देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है बच्चों, ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में जाएगा, राधा ने डांस किया था ये किसमें गया, पास्ट में, ओके ये किसमें गया, पास्ट में, एंड कमला के गाना गाने के बाद, कमला के गाना गाने के जस्ट बाद, ठीक है ना, कमला के गाना गाने के जस्ट बाद, तो ये चला गया है परफेक्ट में, ये किसमें चला गया, परफेक्ट में चला गया है, ओके तो क्या होगा, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज देखिए, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग, आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग, जैसे ही कमला ने गाना गाया था उसके बाद राधा ने डांस किया था,
ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग, आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग, है ना, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। चलिए आते हैं निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो पहला निगेटिव सेंटेंस है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। बताइए, चलिए, यस बिल्कुल सही है, शी या ही हैड नॉट गिवन मी हर बुक। या अगर आप ही कह रहे हैं तो हिज लगेगा, और अगर आप शी कह रहे हैं तो क्या लगेगा, हर लगेगा। क्या लगेगा, हर, क्योंकि अगर वो है तो उसकी किताबें उसकी, और यदि लड़की है तो उसकी के लिए हर लगेगा। ओके, खुद की उसकी किताबें। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। That boy had not gone to school, never. अब गलत कर दिया आपने। देखिए कभी नहीं के लिए यूज करेंगे आप नेवर, क्या यूज करेंगे, नेवर। अब मुझे सवाल बताइए, नेवर आया है तो बताइए क्या यूज होगा, गॉन। हाँ देखिए, हैड नहीं लगेगा यहाँ पे, आप नेवर लगाइए, है ना। ही हैड नॉट मत लगाइए, भले निगेटिव है बट हैड नॉट मत लगाइए, सीधे नेवर आएगा। क्या आएगा, सीधे नेवर। बोलिए सेंटेंस क्या बनेगा इसका, ही हैड, रुको जी, दैट बॉय, दैट बॉय हैड, हाँ हैड नेवर, हाँ गॉन टू स्कूल, दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। मेरा भाई एम ए नहीं कर चुका था, मेरा भाई एम ए नहीं कर चुका था, माई ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट डन द एमए, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए, कर चुका था को यहाँ पर पास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। देखिए देखिए, वो हाथों से करना अलग होता है, पढ़ाई करने के लिए पास्ड होता है। ओके, सो माई ब्रदर हैज हैड नॉट पास्ड एम ए, चलिए कॉपी में लिखिए इसको, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एम ए। देखिए बच्चों, यहाँ पर माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट डन एम ए भी चल जाएगा, यहाँ पे आप डन एम ए भी कर सकते हो, पास्ड एम ए के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, डन एम ए या डन एम बी ए, जो भी होता। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी। बताइए, उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी, इतना सो हिज एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, छोटी बहन, बिल्कुल सही, यंगर सिस्टर, डू नॉट हैड नॉट, गलती कर दी, जीरो दे दीजिए। ओके, हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच। देखिए वीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेप्ट, क्या होता है, हाँ वेप्ट होता है। हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच, नोट करिए इसको कॉपी में, हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच। ओके गाइस, तो क्या था, हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट सो मच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, बताइए क्या होगा इसका, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, न्यूज बोलते हैं, हाँ जी बताइए, द फादर हैड नॉट रीड दिस पहले को इसमें, देखिए गलत कर दिया आपने, नॉट का आपने यूज किया ही नहीं, तो आप जीरो दे दीजिए अपने आप को। ओके, क्या होगा, देखिए, द फादर हैड नॉट नीज रीड दिस न्यूज बिफोर, वैसे थर्ड फॉर्म में तो रीड रेड रेड यूज होगा, इसको रेड ही बोलेंगे, द फादर हैड नॉट रेड दिस न्यूज बिफोर, द फादर हैड नॉट रेड दिस न्यूज बिफोर। ओके, हैड के बाद याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव में, हैड के बाद क्या आता, नॉट आता है, क्या आता है, नॉट। चलिए अगला बोलिए, चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, हाँ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रन रैन, बिफोर द थीफ रन रैन, बिफोर द थीफ रन रैन रन, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि देखिए ये जाएगा पास्ट में, किस में जाएगा, ये पास्ट में, और ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्या जाएगा, किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना, हाँ। तो इसमें से
देखिए यहाँ पे पुलिस वाहन नहीं पहुंची थी, चोर के भागने से पहले पुलिस वाहन नहीं पहुंची थी। ओके देखते हैं इसका क्या होगा, देख के बता पाऊंगा मैं। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर द बिफोर द थीफ रैन अवे, रन रैन रन, तो ये पास्ट में जा रहा बिल्कुल सही है। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रैन अवे, बिल्कुल सही है। हमारा सोचना जो था कि एक यहाँ पर पास्ट में गया है, दूसरा परफेक्ट में गया है। ओके ये वाला जो पार्ट था ये परफेक्ट में चला गया और ये वाला पार्ट किस में चला गया, पास्ट में। ओके इसलिए इसमें हैड नॉट यूज हुआ है और इसमें सिंपल रैन यूज हुआ है, यानी कि सेकेंड फॉर्म। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यहाँ पे परफेक्ट है तो परफेक्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट जो होता है उसमें क्या लगती है, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए एक जगह आपका रीच्ड है तो रीच की थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होती है, क्योंकि रीच रीच्ड रीच्ड, बट यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ से बिफोर से लेके यहाँ तक ये कौन सा सेंटेंस बना है, पास्ट बना है। क्या बना है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहां से लेकर यहां तक क्या बना है, ये यहां पर ये बना पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड, तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रैन अवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, स्टार्ट है ना, बिफोर द रेन स्टार्ट, हाँ नहीं, चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए। वर्षा स्टार्ट होने के पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, The girls had not gone होता है, तो क्या लगेगा, the girls had not gone to their home before the rain start लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म की सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल गलत, आपने जीरो मार्क्स दे दीजिए यहाँ पे। स्टार्टेड होगा बिफोर इट रेन्ड होगा, है ना, या सीधे इट रेन्ड लगा दीजिए, इस रेन स्टार्टेड मत लगाइए, इट रेन्ड। द गर्ल हैड नॉट गॉन टू देयर होम, यहां तक तो आपने बिल्कुल सही बताया, फिर इसके बाद बिफोर इट रेन्ड ये वाला पार्ट आपने गलत बताया है, इसके पहले आपने बिल्कुल सही बताया है। द गर्ल हैड नॉट गॉन टू देयर होम, गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड, ठीक है ना, वर्षा होने को, है ना, हालांकि यहाँ पे शुरू होने की बात की गई है ना, तो वर्षा आरंभ, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बिफोर द रेन स्टार्टेड, बिफोर द रेन स्टार्टेड, मतलब यहाँ पर आप जो इसका जो इंग्लिश बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिफोर इट रेन्ड की जगह यहाँ पे बिफोर द रेन स्टार्टेड। ओके क्योंकि पास्ट में है ना ये, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म में। आप SEIS क्यों लगा रहे हो भाई, प्रेजेंट की बात नहीं हो रहा है, वर्षा होने के पहले की बात बता रहा है, मतलब बहुत पास्ट का टेंस है ये, आप कहाँ पर प्रेजेंट में चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, वह सोकर नहीं उठा था, तो ये तो जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट में और ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला। चलिए बताइए, ही हैड नॉट, हाँ बताइए, अभी आपने बताई, वेकअप बोलते ना फर्स्ट को, उठने को, क्या होगी थर्ड फॉर्म, चलिए जीरो दे दीजिए इसमें आप अपने आप को, क्या बनेगा देखिए, ही हैड नॉट अवेकेंड, क्या बनेगा, अवेकेंड, ही हैड नॉट अवेकेंड बिफोर द सन राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, क्या होती है राइज की सेकेंड फॉर्म, रोज, नोट करिए इसको, ही हैड नॉट अवेकेंड, ओके अवेक अवोक अवेकेंड, समझ गए, अवेक अवोक अवेकेंड, ही हैज नॉट अवेकेंड बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन रोज, नोट करिए, अच्छा सेंटेंस है। देखिए आप यहां पर एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैड नॉट अवेकेंड है, या ही हैड नॉट यहां पर आप लगा सकते हैं वोकन अप, उठ सो करके उठने को वैसे वेक वोक वोकन भी बोलते हैं, तो आप यहां पे वोकन अप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ही हैड नॉट वोकन अप बिफोर द सन रोज, राइज रोज रिजन, याद रखिएगा राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकेंड फॉर्म, फिर रिजन थर्ड फॉर्म, सो ही हैड नॉट वोकन अप बिफोर द सन रोज, ये भी चल जाएगा, बिल्कुल सही है, या अवेकेंड भी आप लगा सकते हैं, ही हैड नॉट अवेकेंड, तो डिक्शनरी जहाँ पे आप कॉपी में लिखते हैं लिख लीजिए, सो करके उठने की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, अवेकेंड बोलते हैं, ठीक ना, क्यों, क्योंकि इसकी एक फॉर्म होती है अवेक, क्या होती है एक फॉर्म, अवेक अवोक अवेकेंड,
तो लिख सकते हैं आप अवेक, ए वी ए के ई, अवेक के बाद सेकेंड फॉर्म होता है इसका अवोक, क्या होती है अवोक, इसके बाद है अवेकेंड। ओके, तो अवेकेंड की स्पेलिंग ये देख लीजिए, ए डब्ल्यू ए के ई एन ई डी, डब्ल्यू ए के ई एन ई डी, ये अवेकेंड है। बोलिए आपको समझ में आ गया, अवेक अवोक अवेकेंड एंड वेकअप वोकअप एंड वेकन अप, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले की ओर, चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे, द स्टार्स हैड नॉट शोन इन द स्काई। हाँ गलत बता रहे हैं आप, जीरो दे दीजिए। देखिए यहाँ पर आपने गलत वर्ड इस्तेमाल किया है, द स्टार्स, द स्टार्स, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड रिजन, राइज रोज रिजन, आफ्टर द मून हैड रिजन। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसने इसको परफेक्ट में ले लिया है, मून के उगने को इसने क्या ले लिया, परफेक्ट में ले लिया है। चांद के निकलने के बाद आफ्टर द मून हैड रिजन, आसमान में सितारे नहीं चमके थे, द स्टार्स डिड नॉट, और डिड नॉट नहीं, डिड नॉट यूज हुआ है यहाँ पे चांद सितारों के साथ, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर मून हैड रिजन। देखिए इसके साथ आप एक और बना सकते हैं जिसमें शाइन की जो सेकेंड फॉर्म होती है शाइन शोन चोन, ओके एस एच ओ एन ई, ओके तो कैसे बनेगा, आसमान में सितारे नहीं चमके थे, द स्टार्स हैड नॉट शोन इन द स्काई, ओके आफ्टर द मून, है ना, आफ्टर द मून राइज रोज होगा, आफ्टर द मून रोज, आफ्टर द मून रोज, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है ना वर्ब की, आफ्टर द मून रोज, ठीक ना, यस। तो बना लीजिए, द स्टार्स हैड नॉट शोन इन द स्काई आफ्टर द मून रोज। चलिए, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, बनाइए, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, क्लाउड्स हैड नॉट कम, द क्लाउड्स हैड नॉट कम आफ्टर द विंड ब्लो। चलिए देखते हैं क्या होगा, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, सेकेंड फॉर्म होती है ब्लू, आफ्टर द विंड ब्लू। चलिए देखते हैं, द स्टार्स, सॉरी द क्लाउड्स डिड नॉट कम आफ्टर द विंड हैड ब्लोन, तो इसने थर्ड फॉर्म में डाल दिया, और आपने क्या बना दिया है, आपने बना दिया है हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, द क्लाउड, द क्लाउड्स हैड नॉट, है ना, देखिए द क्लाउड्स हैड नॉट कम केम कम, कम केम कम, द क्लाउड्स हैड नॉट कम आफ्टर द विंड ब्लू, है ना, आफ्टर द विंड ब्लू, बिल्कुल सही है। तो इधर का भी सही है और आपका भी सही है, द क्लाउड्स हैड नॉट कम आफ्टर द विंड ब्लू, आफ्टर द विंड ब्लू, ओके बी एल ई डब्ल्यू, आफ्टर द विंड ब्लू, ओके। और इसका क्या है, द क्लाउड्स डिड नॉट कम After the wind had blown, after the wind had blown, ठीक है ना, after the wind had blown, okay guys, so we are ready for the next segment and here we are with the past perfect tense and we are discussing here the interrogative section here, so अब हम interrogative की बात करेंगे, interrogative questions देखेंगे और उसका conversation करेंगे, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, Had he talked to you, बोला देखिए, Had he talked to you, बिल्कुल सही है, Had he talked to you, full marks, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, Had I given you a 100 rupee note, Had I given you a 100 rupee note, बिल्कुल सही, Had I given you a 100 rupee note, क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, मुख्यमंत्री को क्या, चीफ मिनिस्टर, Had चीफ मिनिस्टर, Had the चीफ मिनिस्टर, Had the chief minister delivered a speech on the stage, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, Had you
insulted him? देखते हैं, had you insulted him? बिल्कुल सही है, had you insulted him? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? Next question है, क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था? चुका देना, paid. हाँ, बताइए. Had. देखिए उन्होंने के लिए शायद ही भी, दे भी लग जाएगा. चलिए बताइए, had they paid the electricity bill? Had they paid the electricity bill? Let's see. Had they deposited भी चल जाएगा या paid भी चल जाएगा the electricity bill. Deposit का मतलब ये होता है चुकाना, है ना? ठीक है ना, deposit का मतलब कई जगह deposited जमा करना भी होता है ना? तो आप paid भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. Had they deposited the electricity bill? चलिए next question देखते हैं, अगला है. क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था? खाना बना लिया था, है ना? तो देखिए एक जाएगा परफेक्ट में, एक जाएगा पास्ट में. एक जाएगा परफेक्ट में, एक जाएगा पास्ट में. तो मेरा मन कहता है कि इसको आप डालिए परफेक्ट में और इसको डालिए आप पास्ट में. यस, हैड हैड द मदर कुक्ड द फूड बिफोर बिफोर यू रीच द एट होम. बिफोर यू रीच्ड होम, एट होम, ठीक है ना? चलिए रीच्ड होम लगेगा. देखिए हैड द मदर कुक्ड द फूड बिफोर यू रीच्ड होम, बिल्कुल सही. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. हैड द मदर कुक्ड द फूड बिफोर यू रीच्ड होम, बिफोर यू रीच्ड होम या एट होम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है. चलिए अगला देखते हैं. क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था? क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था? नेताजी, नेताजी को क्या कहेंगे भाई? मंत्री को मिनिस्टर बोलते हैं. नेताजी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लीडर. क्या बोलेंगे? लीडर. क्या बोलेंगे? लीडर. बताइए क्या होगा? डिलीवर नहीं होगा भाई, डिलीवर्ड होगा. हैड एनी वन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द लीडर? कम. हाँ, क्या लगेगा? केम, द लीडर केम. लेट्स सी, हैड समवन या एनीवन, बिल्कुल चाहिएगा. डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द लीडर केम, बिल्कुल सही. वेरी गुड, हैड समवन डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द स्टेज बिफोर द लीडर केम, बिल्कुल सही जवाब. क्या मास्टर जी के आने के पहले बच्चे खामोश हो गए थे? क्या साइलेंट? क्या मास्टर जी के आने के पहले बच्चे खामोश हो गए थे? चुपचाप भाई. हैड द चिल्ड्रन साइलेंटेड बिफोर द टीचर केम. ओके, चलिए देखते हैं क्या सही की क्या गलत है. हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट, हैज द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट, बिकेम कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिकम. क्या होगी थर्ड फॉर्म? बिकम. हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट, बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम. ओके, नोट करिए इसको. ओके, सो हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम, हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला. क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? ओके, देखिए गलत कहा है आपने. यहाँ पर आपको जीरो मिलेंगे, जीरो मार्क्स दे दीजिए. आपने ग्रामर का यूज नहीं यूज किया है. डिड यू रिमेंबर मी, देखिए अगर आप पहले पास्ट लेते हैं तो बाद वाले को आप परफेक्ट बनाइए, और अगर आप पहले वाले को परफेक्ट ले रहे हैं तो दूसरे वाले को क्या बनाइए? पास्ट बनाइए. आपने यहाँ गॉन लगाया, आफ्टर आई वेंट लगाना था यदि आपको लगाना था तो. यस और नो? आफ्टर आई वेंट. खैर फिलहाल इसको देख लीजिए. डिड यू रिमेंबर्ड रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन, या दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका देखिए क्या बनेगा. मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई. हैड यू रिमेंबर्ड मी,
Had you remembered me after I went? After I went. एक तरीका ये होगा जैसे मैंने बताया आपको. चलिए अगला बोलिए. क्या बिजली आने के बाद, एक मिनट, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? तो इसका क्या हो जाएगा, देखा आपने, Did you remember me after I had gone? अगला क्वेश्चन है, क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे? क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे? बताइए क्या होगा. सीधी बात है, एक आपको परफेक्ट मानना पड़ेगा, एक आपको पास्ट मानना पड़ेगा. हाँ देखिए, आपने यहाँ पर आपने स्टार्ट कर दिया इधर से, मतलब आपने इसको पास्ट मान लिया. क्या मान लिया? पास्ट. तो आपने डिड से स्टार्ट किया, बिल्कुल सही बात है. क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे? इलेक्ट्रिसिटी गॉन अवे. बिल्कुल गलत आपने बोला है, धज्जियां उड़ा दी आपने यहाँ पर. तो इस चीज की देखिए कैसे बनेगा ये. डिड द गेस्ट गो? डिड द गेस्ट गो, पहली चीज डिड के साथ देखिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म. डिड द गेस्ट्स गो आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड कम? इलेक्ट्रिसिटी हैड कम है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली आने के बाद है भाई साहब. इलेक्ट्रिसिटी हैड कम है ना, थर्ड फॉर्म कम केम कम. नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है. डिड द गेस्ट्स गो आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी सी हैड कम. देखिए अगर आपको इसको, अगर आपको यहाँ पर इस चीज को है, अगर आपको पास्ट परफेक्ट में लेना है, तो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये. देखिए यहाँ पर बनेगा हैड द रिलेटिव्स गॉन, हैड द रिलेटिव्स गॉन आफ्टर, आफ्टर अब क्या है, बिजली आने के बाद, बिजली आने के बाद तो सेकेंड फॉर्म में जाएगा क्योंकि ये तो हो गया परफेक्ट है, अब बनेगा पास्ट. हाँ आफ्टर, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी केम, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी केम. तो ऐसा बना लीजिए है ना, ये आपने वैसा बना लिया. देखिए डिड द गेस्ट गो आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी हैड कम, दोनों ही सही हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है ना. हैड द रिलेटिव गॉन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी केम, ये भी बन सकता है. ओके आप यहां पर गेस्ट यूज कीजिए रिलेटिव के बजाय, क्योंकि मेहमान यानी कि गेस्ट. चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड की प्रैक्टिस एक्सरसाइज. पास्ट परफेक्ट में ही यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड चलेगा क्वेश्चन में. आइए पहला है, तुमने अपने कपड़े स्वयं से क्यों धोए थे? स्वयं क्यों धोए थे, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, बताइए. देखिए बिल्कुल गलत, आपको जीरो मिल गया, आपने डू लगा दिया क्योंकि थे है यहाँ पे, ये थे मतलब हैड आएगा. क्या आएगा? हैड. हाँ वाई हैड washed your clothes self. चलिए देखते हैं कितना सही है. चलिए तो ये देखिए इसका आंसर, why had you washed your clothes yourself, लिख लीजिए खुद से को बोलते हैं yourself. why had you washed your clothes yourself. ओके बच्चों तो why had you washed your clothes yourself है ना, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे. चलिए अगला देखिए, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था? क्या, व्हाट से स्टार्ट होगा? व्हाट हैड ही सेड टू माय यंगर ब्रदर. भाई छोटा भाई नहीं है भाई, बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर. व्हाट हैड ही सेड टू माय एल्डर ब्रदर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट, 1 मार्क्स मिलेगा. व्हाट हैड ही सेड टू माय एल्डर ब्रदर. नेक्स्ट, आपकी सारी रात बिना सोए क्यों गुजरी थी? आपकी सारी रात होल नाइट बिना सोए क्यों गुजरी थी? क्यों मतलब why had your whole night passed by नहीं लगेगा. चलिए तो ये आप देखिए, देखिए क्या होगा इसका, तो इसका होगा why had your whole night passed without sleeping, without sleeping, passed by नहीं लगाएंगे, passed without sleeping, कोई ट्रेन नहीं है जो pass by कर रही है, नींद कोई ट्रेन नहीं होती है. why had your whole night passed without sleeping, without sleeping, ठीक है ना, है ना, बिना सोए, without sleeping. देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपकी सारी रात बिना सोए, अब सोना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है,
हाँ तो ये इसलिए स्लीपिंग लगा, नहीं तो आप कहेंगे अरे ये तो हमें इसको तो हमको पास्ट में लगाना था, विदाउट स्लेप्ट लिखना था, है ना? ऐसा नहीं है ना, भले ही ये देखिए यहाँ वाला पार्ट किस में आ गया, ये पार्ट तो आ गया आपका किस में, पास्ट तक किस में आ गया आपका, परफेक्ट में, किस में आ गया, परफेक्ट में। वाई हैड योर होल नाइट पास्ट विदाउट स्लीपिंग, ठीक है ना, ये बन गया कंटिन्यूअस वाला पार्ट विदाउट स्लीपिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। अगला, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया, हाउ 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 हैड यू कंप्लीटेड या फिर डन, हाँ कंप्लीटेड आएगा, पूरा करना यानी कंप्लीटेड आएगा, दिस ऑल वर्क, हाउ हैड यू कंप्लीटेड ऑल दिस वर्क, देखते हैं हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क, या इतना सारा पूरा काम, इतना सारा है भाई, सो मच, इतना सारा मतलब सो मच, है ना, है ना, ये सारा होता तो ऑल दिस बोलते, है ना। हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क, इतना सारा सो मच आएगा। चलिए, तुमने उसे चुपके से क्या दिया था, चुपके से मतलब साइलेंटली, तुमने उसे से, तुमने उसे चुपके से क्या दिया था, बताइए। व्हाट हैड यू गिवन टू हिज या हर सीक्रेटली, व्हाट हैड यू गिवन टू हर, गिवन हिम या गिवन टू हिम सीक्रेटली, बिल्कुल सही, व्हाट हैड यू गिवन हिम सीक्रेटली, ओके, गिवन हिम सीक्रेटली। चलिए अगला, राहुल के आने से पहले महेश क्यों चला गया था, राहुल के आने से पहले महेश क्यों चला गया था, तो मैं कहूँगा आप चाहें तो महेश क्यों चला गया था को आप पास्ट में भी ले सकते हैं, और ये पास्ट लेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट, ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट। अगर सेकेंड पार्ट आप पास्ट लेंगे तो पहला पार्ट परफेक्ट बन जाएगा, बताइए क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा, वाई वाई हैड महेश, हाँ गॉन, हाँ आफ्टर द, बिल्कुल, देखिए आने से पहले है तो जीरो मिल गया आपको, आपने पहले के लिए आफ्टर लगा दिया, बिफोर यूज होता है before, तो आप इसमें जीरो दे दीजिए, इसका क्या होगा देखिए, वाई हैड महेश गॉन बिफोर राहुल केम, बहुत ही सिंपल था यार, क्यों नहीं बना आपसे, वाई हैड महेश गॉन बिफोर राहुल केम, वाई हैड महेश गॉन बिफोर राहुल केम, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे, वेयर वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन बिफोर बिफोर आई रीच्ड एट होम, वेरी नाइस, देख रहे हैं क्या है, वेयर हैड माई चिल्ड्रन, वेयर हैड गॉन द चिल्ड्रन या वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन, दोनों सही बात है, वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन बिफोर आई रीच्ड होम, वेरी गुड, बिफोर आई रीच्ड होम, यस। मास्टर जी के आने के पहले उसने पत्र क्यों लिखा था, मास्टर जी के आने के पहले उसने पत्र क्यों लिखा था, बताइए, व्हाई हैड ही रिटन हाँ लेटर हाँ बिफोर द टीचर केम, Why had he written a letter before the teacher came? देखिए यहाँ पे गलत है, राइट नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, राइट रोट रिटर्न, वाई हैड ही रिटर्न अ लेटर, वाई हैड ही रिटर्न अ लेटर बिफोर द टीचर केम, बिल्कुल सही। अगला, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, देखिए who came here After I gone, ये तो गलत लग रहा मुझे, है ना, यहाँ कौन आया था बताइए, गलत है बिल्कुल, देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए who came here after I had gone, after I had gone, who came here after I had gone, okay, तो बच्चों मुझे इसका लग रहा है यहाँ पर जैसे कहा गया है कि वू केम हेयर, मुझे लग रहा है यहाँ पे आएगा वू डिड कम हेयर, है ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो है पास्ट में जा रहा है, और पास्ट में कभी भी जब आप बनाते हैं तो सेकेंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सो वू डिड कम हेयर आफ्टर आई हैड गॉन, ये होना चाहिए,
ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा? What did he say? गलत हो गया, अगर आप did लगा रहे हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, What did he say to you? हाँ? After I had gone. What did he say to you? बिल्कुल सही है, very good. After I had gone. देख लीजिए, अब यहाँ पे what did लगाया ना, तो क्या verb की first form use किया है, तो what did he say, है ना, what did he say. अब यहाँ who लगा रहे तो did कहाँ गया भाई, what did he say to you after I had gone. After I had gone. बिल्कुल सही है, after I had gone. तो ये हो गया अपने question number 10 जिसके अपन को करने थे, क्या था ये, WH वाले WH questions थे. अब आगे हम पढ़ेंगे interrogative negative. चलिए अब आ चुके हैं interrogative negative के sentences हमारे पास, exercise number 30. तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी, बताइए क्या होगा. Why had you not talked about me? तुमने उससे विद हर, चलिए देखिए गलत बता रहे हैं आप. वाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हिम, टॉक टू हिम अबाउट मी, यस इसका होगा वाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हिम अबाउट मी, टॉक टू हिम अबाउट मी, ठीक है ना. तो यदि पूरा आपने सही बताया तो 1 marks ले लीजिए. Why had you not talked to him about me? Next question. राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था? Why had Rahul not put के देखिए तीन फॉर्म पुट ही होते हैं, put. तीन पुट ही होते हैं. पुट इट बैग गलत है, अपना बैग हिज बैग आएगा, हिज बैग इन द क्लास, ठीक है ना. सो व्हाई हैड राहुल नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास, बिल्कुल सही, 1 marks ले लीजिए. व्हाई हैड राहुल नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास. बच्चों मैं सेंटेंस नंबर 1 के बारे में एक बार और बता दूंगा, व्हाई हैड यू नॉट टॉक्ड अबाउट मी टू हिम भी करोगे तो भी सही है, मतलब अबाउट मी को पहले ले आओ और टू हिम को बाद में ले आओ तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था, बताइए तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था. एड्रेस, एड्रेस बोलते हैं पता को, बताइए. देखिए गिव तो लगे नहीं, गिवन लगेगा, गिवन हिज एड्रेस. चलिए और मुझे कहीं आया नहीं तो आपको इसमें 0 marks दे दीजिए अपने आपको. तो वाई हैड यू नॉट गिवन मी हिज एड्रेस या हर एड्रेस, आपने गलती कर दी यहाँ पे, मी नहीं लगाया. वाई हैड यू नॉट गिवन मी हिज एड्रेस या हर एड्रेस, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, बताइए लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी. Why had the girls not gone back? बिल्कुल गलत, देखिए why had the girls not come back, वापस लौटना यानी कि come back, आप कहते हैं ना why वापस लौटा होता है, come back, है ना. या आप यहाँ पर returned भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, हाँ वापस लौटना यानी कि कम बैक, ओके वापस लौटी थी यानी कि कम बैक, या रिटर्न्ड भी यूज कर सकते हो, ओके. व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट कम बैक. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. देखिए प्लेइंग मत लगाइए, खेल रहे थे नहीं खेले थे लिखा है. हैड द सॉरी क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे. हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड. चलिए हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द फील्ड, बिल्कुल सही है, हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट ऑन द फील्ड. अगला बताइए, लता के गाना गाने से पहले सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था.
लता के गाना गाने के पहले सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था, बताइए। वाई वाई हैड सलमान नॉट डांस्ड बिफोर द लता सिंग सॉन्ग। बहुत बढ़िया बोला आपने, वाई हैड सलमान नॉट डांस बिफोर लता सेंग अ सॉन्ग, वेरी गुड, है ना। आप अपने पास्ट टेंस का यूज किया, आपने बुद्धि लड़ाई। तो वाई हैड सलमान नॉट डांस बिफोर लता सेंग अ सॉन्ग। चलिए अगला बताइए, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे। उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे। वाई हैड यू नॉट गो वेंट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड। चलिए देखते हैं, वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही। वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड, बहुत अच्छे बताए आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माता जी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए थे। माता जी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए थे। Come back home. बिल्कुल गलत है, देखिए जीरो दे दीजिए, बैक आएगा ही नहीं यहाँ पर। वाई हैड यू नॉट कम होम बिफोर द मदर कुक्ड द फूड। ओके, देखिए पहला वाला आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में रखना है, दूसरा वाला सिंपल पास्ट में रखना है। वाई हैड यू नॉट कम होम बिफोर द मदर कुक्ड द फूड। चलिए, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज को आराम नहीं मिल गया था। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज को आराम नहीं मिल गया था। हैड द पेशेंट नॉट, हाँ मिलना यानी कि आराम मिलना तो रेस्ट होता है, नॉट, बट मिलने को क्या बोलेंगे। हैड द पेशेंट नॉट गेट रेस्ट, बिल्कुल गलत कर दिया आपने, गेट होगा नहीं क्योंकि गेट फर्स्ट फॉर्म होती है। जीरो मार्क्स दे दीजिए। हैड द, देखिए हैड द पेशेंट यदि आप बात कर रहे हैं तो गॉट आएगा, है ना। अगर आप पेशेंट को ले रहे हैं, पेशेंट वाले सेंटेंस को यदि आप ले रहे हैं परफेक्ट में तो गॉट आएगा। तो फिर क्या होगा, हैड द पेशेंट नॉट गॉट द रेस्ट। हैड द पेशेंट नॉट गॉट द रेस्ट बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। और यदि आप इसको पास्ट में ले रहे हैं, डिड द पेशेंट नॉट गेट रिलीफ। Did the patient not get relief? तो ये वाला पार्ट आपका किस में चला गया, पास्ट में चला गया। किस में चला गया, पास्ट में। अब आगे जाएगा पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है ना, क्लियर हुआ। यस, तो दोनों बना सकते हैं इसका, डिड द पेशेंट नॉट गेट रिलीफ आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, या दूसरा बना सकते हैं हैड द पेशेंट, है ना, हैड द पेशेंट नॉट गॉट रिलीफ, Had the patient got not not got relief, है ना, after the doctor came, बिल्कुल सही। अगला बताइए ध्यान से, क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था। क्या आसमान, बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था। had the sky clear, साफ मतलब clear, had the sky Had the sky not cleared before the चलिए मैंने बताया था ना, बारिश होने के, बारिश होने के लिए क्या बोलेंगे, after it rained बिल्कुल सही। देखिए अब देखते हैं आपने, did the sky not become clear, यहाँ पे become आएगा यदि past की बात की जाए, after it had rained, तो इन लोगों ने क्या बना दिया, उल्टा बना दिया है। तो मैं दूसरा आपको बना के देते हूँ, देखिए, had the sky not become clear, ठीक है ना, after it rained, okay, second form, had the sky not become clear after it rained, ठीक है ना। तो ये था हमारा
इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला पूरा के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। युवराज बैच से जुड़े रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।